आम आदमी एंजल इन्वेस्टर क्यों बने? तो जो आइडियल नेटवर्क होता है एंजल इन्वेस्टमेंट का, वो मेंटर भी करता है, फंडिंग भी करता है, नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग भी करता है। जो भी स्टार्टअप को चाहिए होपफुली दे विल हैव। अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो किसी के लिए, बॉस आपका नंबर नहीं है। आपको एक राइट पाथ जो है ना, वो राइट पाथ और राइट टाइम पे नहीं मिला ना, तो आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को लेट गो कर दोगे। जो ग्रो करता है कि फास्ट इंटरनेट वर्ल्ड में ही ग्रोस फास्टर एंड फास्टर, अगर ग्रो नहीं करता है तो मतलब लोग रेज करना चाहते हैं 8 करोड़। इंडियन एंजल नेटवर्क हैज ओनली बीन एबल टू रेज 3 करोड़ फ्रॉम देयर नेटवर्क। वो हमारे पास आते हैं एंजल नेटवर्क्स हैं ये, आई वुड से ओवर द लास्ट 12-13 ईयर बहुत पॉपुलर हुआ। बिल्कुल बहुत। और मैं इनमें से एक एंजल नेटवर्क में हूँ एज अ फाउंडिंग डायरेक्टर फॉर द लास्ट आई थिंक 8-9 ईयर्स। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूँ और हर बार की तरह मेरे साथ है सीए मुकेश सिंगला जी जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल है। आज मैं आपको ऐसी सक्सेस से मिलवाने जा रहा हूँ जो 5 से ज्यादा बुक्स स्टार्टअप्स के ऊपर लिख चुके हैं, NIIT में 20 साल जॉब कर चुके हैं, 20 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग कर चुके हैं और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स की मेंटरिंग कर चुके हैं। ध्रुवनाथ जी आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। सर आपसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू हेमंत जी। मैं जब भी किसी को मिलता हूँ जो इस इंडस्ट्री में है, स्टार्टअप इंडस्ट्री में है, मैं भी वहाँ सीखता हूँ। तो आज आप सीखो मुझसे, मैं भी आपसे सीखूँगा। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में आने का कैसे सोचा, क्यों सोचा, मतलब ये विचार आपके दिमाग में आया क्यों? क्योंकि आपने जैसे मुझे बताया था ऑफ द कैमरा कि आपने पूरे अपने जीवन काल में जॉब की है, जॉब से रिटायर होने के बाद आप इस फील्ड में कैसे आए? सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हेमंत। ऐसा है, मैं कोई 2002 में मैंने MDI ज्वाइन किया था एज अ प्रोफेसर। ओके। लेकिन जैसे आपने कहा, मेरा बैकग्राउंड जो है वो एकेडमिक्स नहीं है। मोस्टली जो प्रोफेसर होते हैं वो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंडस्ट्री का। तो जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने अपना स्टार्टअप या तो क्रिएट किया था या करना चाहते थे, और मेरे जो एलम्स थे पास आउट कर चुके थे, वो मेरे पास आते थे कि सर जरा एडवाइस दे दो। बड़ा मज़ा आता था क्योंकि हम लोग ना, हमारी एक ओपन एयर कैंटीन थी और वहाँ बैठ के समोसे खाते थे, चाय पीते थे, दोबारा समोसे खाते थे एंड मैं उनको एडवाइस देता था। तो इसमें इतना मुझे ना, एक तो लर्निंग बहुत हुई है, बहुत लर्निंग, क्योंकि ये बच्चे जो थे ना, इनकी सोच ही डिफरेंट थी। ठीक है, पहली बात। सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मुझे कहा कि सर आप एडवाइस तो कर रहे हो, पैसा भी डाल दो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा स्टूडेंट है, मना नहीं कर सकता, मैंने पैसे डाल दिए। तब मैंने रियलाइज किया एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ये समझ सकोगे। देखिए, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी हो, आपने कहा कि मैंने इन्वेस्ट किया, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी हो, मैं स्टॉक मार्केट में कर सकता हूँ, करता हूँ। बट वहां मैं कभी के साथ बैठ के ये नहीं बोल सकता भाई ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे आप स्ट्रेटेजाइज करो, मैं उसको मिल ही नहीं सकता हूँ। ठीक है ना। बट ये जो है, जो मेरे मेंटीज है जिनको मैं मेंटर करता हूँ, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं बैठ के इनके साथ मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेटजीज, क्या डायरेक्शन लेना है, कस्टमर्स नहीं आ रहे, हाउ यू गेट मोर कस्टमर्स, ये सारा कर सकता हूँ। सो देयरफॉर इट इज लाइक रनिंग माय ओन कंपनी। मतलब स्टॉक मार्केट में मेरी अगर इन्वेस्टमेंट हो, दैट इज अ प्योर पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसा डाला, ठीक है यार, मुकेश भाई के हाथ में या जो भी आई बैंक चीफ है उसके हाथ में, बट यहाँ पे मेरी अपनी कंपनी है, मुझे एग्जिट भी नहीं चाहिए। तो मोर देन जस्ट मेकिंग मनी, मेरा इंटरेस्ट था लर्निंग, बीइंग इन्वॉल्व एंड फीलिंग दैट दिस इज माय कंपनी व्हिच आई एम कंट्रीब्यूटिंग। तो मजा बहुत आया, सीखा बहुत,
और ये मैं कोई 15 साल से कर रहा हूँ। एक जब पैसे लगाने की बात आती है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए एक ये होता है कि भी उसको एनालाइज भी करते हैं एक अलग एंगल से, फाइनेंशियल एंगल से भी हर आदमी एनालाइज करता है। तो वो कौन सा एंगल था कि जो आपने फर्स्ट जो आपका स्टार्टअप था या जो भी आइडिया था जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, और क्या आपने उससे टेक अवे लिया, क्या उसके टेक अवे आपके आगे काम आए, या उस जर्नी में क्या क्या चीजें? यार देखो मुकेश, ऐसा है हर फील्ड में जब कोई आदमी उतरता है ना, तो एक लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है, मेरी भी लर्निंग प्रोसेस थी, और आई वुड से जितने भी आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं वीसी को, उनका भी लर्निंग प्रोसेस रहा है। सो शुरू में हम लोग जो इन्वेस्ट करते थे वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटमेंट, यार क्या बढ़िया आइडिया है यार, ये तो यार धमाका कर देगा दुनिया में। बट एक्साइटमेंट इज नॉट इनफ टू रन अ बिजनेस, आप जानते हैं। एक्साइटमेंट से पैसा नहीं बन सकता, रिटर्न्स नहीं आएंगे, एग्जिट नहीं मिलेगा। तो शुरू में आई वुड से हमने बहुत गलतियां करी, फ्रेंकली बहुत गलतियां करी, एंड आई हैव लॉस्ट मनी। ओके, एंड आई मस्ट आल्सो एडमिट माय वाइफ इज वेरी अनहैप्पी बट आई हैव बीन लूजिंग, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलता। तो शुरू में एक्साइटमेंट में था कि जी बहुत बढ़िया आइडिया है। धीरे 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 व्हाट हैपेंड वाज वी रियलाइज्ड the things that you need to look at, okay? और उसके basis पे I have created, and maybe I'll share with you details right now, something called the persistent model. वो मेरी पहली किताब थी, वो आपको दिखाता हूँ। जी जी, ये है first किताब, first book on startups। सिर्फ डाल दोगे बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, ये है funding your startup, but subtitle और भी important, and other nightmares। Okay, ठीक है। अब परसिस्टेंट मॉडल जो है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। और ये मैंने कैसे डेवलप किया, बाय अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम माय ओल्ड मिस्टेक्स। ओके ओके, ठीक है। एंड मैंने मेंटर भी बहुत किया, उनकी मिस्टेक से भी सीखा बहुत कुछ। जी ठीक है। तो परसिस्टेंट में ना 10 letters हैं, ठीक है। ईच लेटर स्टैंड्स फॉर समथिंग। पी इज प्रॉब्लम, आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर समबडी। ओके, अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो किसी के लिए, तो बॉस आपका नंबर नहीं चल सकता। दूसरा है पी के बाद ई, अर्निंग्स मॉडल। नॉट ओनली शुड यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट द अदर गाय हैज टू बी विलिंग टू पे यू फॉर इट, तभी आपका अर्निंग्स मॉडल हो, ठीक है ना। तीसरा है, मैं एक स्किप करता हूँ, बाद में आऊंगा। एस फॉर साइज ऑफ द मार्केट, अगर आपका मार्केट साइज बहुत छोटा है तो यार आप ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट कभी कभी आपका मार्केट साइज बड़ा होता है, लेकिन इट इज अ क्राउडेड मार्केट, मतलब बहुत आपके कंपेटिटर्स हैं और बहुत आपके पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं। उस सिचुएशन में आपको एक सबसेट चूज करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं निश। वो निश जो है दैट इट सेल्फ शुड बी लार्ज इनफ एंड नॉन क्राउडेड, ठीक है, वो एन हो गया। तो परसिस्टेंट के मैंने 4 जो लेटर्स है वो कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एस जो है वो स्केलेबिलिटी, एंड स्केलेबिलिटी इज वेरी सिंपल, कैन यू ग्रो बिग, एंड इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट में कैन यू ग्रो बिग फास्ट, बिकॉज इफ यू डोंट ग्रो बिग फास्ट, बस हमारी कंट्री में 145 करोड़ है, 42 करोड़ शायद 150 हो गए होंगे आज की डेट। ये मत सोचो कि सिर्फ ये आइडिया आपको आया है, 1 लाख और लोग हैं जो ये चीज कर रहे होंगे। आप फटाफट ग्रो नहीं कर रहे हो, दूसरा आदमी करेगा, एंड ही विल किल यू। सो ग्रोइंग फास्ट इज स्केलेबिलिटी, ठीक है। फिर है आर, विच इज रिस्क। रिस्क तो हर धंधे में होता है, बिगेस्ट रिस्क इज द रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन। उसके लिए यू नीड द सेकेंड ई परसिस्टेंट में, विच इज एंट्री बैरियर। इज देयर समथिंग इन योर बिजनेस विच प्रिवेंट्स द और मेक्स इट टफर फॉर द अदर गाय टू कम इन एंड टेक अवे योर कस्टमर्स, एंट्री बैरियर। एंड अगर आपका इनोवेटिव सोल्यूशन हो, विच इज द आई इन परसिस्टेंट, then you have a good entry barrier. For example, अगर आपके patents, तो ये 8 letters हो गए। The last 2 letters are team, and team starts with founders. मैंने ये देखा है, बल्कि हम जितने भी हैं इस area में investors, early stage में the founder is more important than the business. सही बात। And last is traction. Traction is, are you getting customers? पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, धंधा आ रहा है, ग्रो कर रहा है, वही कस्टमर दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये परसिस्टेंट मॉडल है। मैंने ये देखा है
कि मेरे आई थिंक 15-16 सालों में जो स्टार्टअप्स इस मॉडल को जो सक्सेसफुल हैं वो बाय एंड लार्ज इस मॉडल को फॉलो करते हैं, और जो फेलियर्स हैं वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, जैसे स्केलेबल नहीं है या एंट्री बैरियर नहीं है, दूसरे ने कॉपी कर लिया या प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए दूसरा आदमी उसके पास आएगा ही नहीं, कस्टमर आएगा ही नहीं। तो ओवर टाइम वी हैव लर्नड दिस, और वो 2020 में जाके बेस्ड ऑन ऑल दिस लर्निंग मैंने परसिस्टेंट मॉडल क्रिएट किया, उसके बेसिस पे ये किताब। तो आज की डेट में मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ आई विल फॉलो दिस, हम लीड एंजल्स हैं, हम लोग भी यही फॉलो करते हैं, एंड आई वुड से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में वो यही मॉडल फॉलो करते हैं, चाहे वो टर्म्स कोई और यूज करें, बट कॉन्सेप्ट्स वही हैं यार, प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, एंट्री बैरियर होना चाहिए, तो ये सब नहीं है तो यार आपका धंधा तो मतलब तो चौपट हो गया ना। तो ये मेरी लर्निंग हुई है 15-16 साल। ग्रेट सर, ग्रेट। तो थोड़ा सा मुझे आप अपने नेटवर्क के बारे में बताइए, लीड एंजल नेटवर्क कैसे काम करता है और मतलब ये क्यों बनाया गया इस तरीके, क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था उसमें आपने बात की थी आम आदमी भी एंजल इन्वेस्टर बन सकता है, तो आम आदमी एंजल इन्वेस्टर क्यों बने ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी तो नॉर्मली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो स्टार्टअप में फंडिंग एंजल इन्वेस्टिंग करना ये सब अभी नया है, फैशनेबल है थोड़ा सा। सही बात है, बट मेरे हिसाब से लुक्रेटिव भी है, मैं आपके शब्दों में सुनना चाहता हूं। ऐसा है, अगर आप 20 साल पहले की बात करें, सो लेट्स से 2004-2005, उस टाइम में अमीर, सिर्फ अमीर इन्वेस्टर होते, अमीर एंजल इन्वेस्टर है, नारायण मूर्ति हो गया, नंदन नीलेकनी हो गया, अजीम प्रेम जी हो गया, मुकेश, हेमंत, इस टाइम के सुपर रिच जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल ये उस टाइम के एंजल इन्वेस्टर थे। अब ओवर टाइम हुआ ये कि जो स्टार्टअप की जो दुनिया है ना, सडनली बहुत ग्लैमरस हो, क्योंकि यूनिकॉर्न बनते गए। जी, 2 साल पहले मेरे ख्याल में 20 financial year, 20 2020 or 2023 में, sorry, in 2020 or 2023 में, sorry, unicorn. And unicorn is more than a billion dollars in valuation. Yeah. And हर इंसान कहता था यार मैं कॉमन मैन हूँ, मैं मतलब सैलरीड आदमी हूँ या मैं बहुत छोटा बिजनेसमैन हूँ, यार जो 22 billion dollar की वैल्यूएशन की बात कर रहा है, had I invested in 20 years or whatever, 5 years back, मुझे भी इतनी ग्रोथ मिलती, तो इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, सडनली बढ़ गया। ठीक है, अब मैंने इसके लिए एक टर्म बनाया था, उसको मैं बुलाता हूँ आम आदमी एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, बट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जी की पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट आम आदमी एंजल जी। अब आम आदमी एंजल के पास दो प्रॉब्लम्स हैं जो नारायण मूर्ति और नीलेकनी जो बड़े बड़े एंजल थे उनके पास नहीं थे। पहली बात, जो अब जैसे किसी को 1 crore रेज करना है, ठीक है, नारायण मूर्ति के लिए क्या प्रॉब्लम है, 1 crore दे देगा चेक, बट जो आम आदमी एंजल है वो शायद 2 lakh डालेगा, शायद 3 lakh डालेगा। तो जिस स्टार्टअप को 1 crore चाहिए उसको ऐसे 30 या 25 आम आदमी एंजल चाहिए जब तक उसकी फंडिंग ना हो। जी, दूसरी बात, जो बड़े बड़े HNI से नारायण मूर्ति की तरह, उनके पास अपने CA थे, अपने लॉयर्स थे, अपने बिजनेस एनालिस्ट थे जो इवेल्युएट करते, जो आम आदमी एंजल है उसके पास तो कोई भी नहीं है, जैसे मैं आम आदमी एंजल तो कोई भी नहीं है। तो इसीलिए एंजल नेटवर्क्स बने। सो एंजल नेटवर्क क्या होता है, इट इज लाइक अ क्लब, और क्लब में आपके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उस क्लब में एंजल नेटवर्क क्लब में मेंबर्स हैं, तो हमारे, मैं लीड एंजल से हूँ, तो हमारे अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 400 के करीब मेंबर्स हैं। एंड ईच मेंबर इज अ पोटेंशियल एंजल इन्वेस्टर। कोई भी एंजल इन्वेस्टर मतलब कोई भी उसमें मेंबर बन सकता है? करेक्ट, कोई भी मेंबर। कोई क्राइटेरिया उसके लिए? क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया एक्चुअली सेबी ने दिया हुआ। ओके, सेबी ने दिया हुआ क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल आई थिंक उसमें आपका नेटवर्थ
ये शायद आप लोग ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते होंगे, आई थिंक नेटवर्थ हैज टू बी मोर देन 2 crores ऐसा कुछ, ऐसी कोई 2-3 conditions हैं, बट बाय एंड लार्ज ऐसे बहुत हो गए। तो आप एंजल इन्वेस्टर बन गए। अब लीड एंजल्स के पास क्या होता है या किसी भी एंजल नेटवर्क में क्या होता है, स्टार्टअप्स हमको अप्लाई करते हैं, यदि हमको फंडिंग चाहिए 1 crore 1.5 crore, हम उनको इवेल्युएट करते हैं एंड व्हेन वी फाइंड देयर इज अ स्टार्टअप व्हिच इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन, देन वी पुट इट अप टू आवर मेंबर्स कि यार अब पिच करो अपने मेंबर, हमारे मेंबर्स को। तो हमारे 40, 50, 60, 100 मेंबर उस पिच को सुनते हैं। तो रादर देन रेजिंग मनी, आई मीन जैसे मैंने कहा ना, जो आम आदमी एंजल है वो तो सिर्फ 2 lakh डालेगा या 5 lakh डालेगा, अब 25, 30, 50 आम आदमी एंजल इकट्ठा मिलके डालेंगे, राइट। सो 1 crore 2 crore 3 crore रेज हो गया, पहली बात। सेकेंडली हमारे यहाँ बिजनेस एनालिस्ट हैं, हमारे नेटवर्क में सीएस हैं, हमारे नेटवर्क में लॉयर्स हैं, ड्यू डिलीजेंस हो जाती है, तो जितनी भी सपोर्ट आपके मेंबर को चाहिए वो अवेलेबल है। तो ये जो एंजल नेटवर्क हैं ये आई वुड से ओवर द लास्ट 12-13 years बहुत पॉपुलर हुए, बहुत, और मैं इनमें से एक एंजल नेटवर्क में हूँ एज अ डायरेक्टर फॉर द लास्ट आई थिंक 8-9 years and this is there. But dusra, so ek to ye hai why are angel networks there. Dusra, I would say one thing and I would caution the aam aadmi angel ki dekho boss, ye jo investment class hai na ye risky hai, okay. Dekho fixed deposit aap dalo bank mein to risk nahi hai, chahe aapko 7% milega us pe bhi aapko 30% tax dena hai, risky nahi hai, kam se kam 5% aapka capital to nahi jayega, theek hai. इसमें आप 10 स्टार्टअप में पैसा डालो, पॉसिबल ये है कि ऑल ऑफ देम कोलैप्स, तो आपका 10 का 10 जो आपने पैसा डाला चला गया, तो रिस्की क्लास है। हम ये कहते हैं कि देखो, यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर मनी यू डिसाइड टू पुट इनटू स्टार्टअप्स, इट इज मनी दैट यू कैन, यू आर विलिंग टू लूज, ओके, मतलब उससे आपकी रोजी रोटी नहीं निकलनी चाहिए। अगर आपका वो पैसा चला गया और आपका स्टार्टअप जिसने आपने पैसा डाला है, इफ दे कोलैप्स, इफ दे डाई, ये नहीं होना चाहिए कि यार आपके बच्चों की एजुकेशन नहीं होगी या हॉस्पिटल जाना है, उसके बिल्स आप नहीं दे पाओगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी समथिंग विच यू आर विलिंग टू लूज, होपफुली यू विल नॉट लूज इट। देयरफॉर वी से देखो, जो भी आपका है उसमें से नॉट मोर देन 5 or 10% शुड गो इनटू दिस एसेट क्लास। ये नहीं कि यार आप 70% 80% डाल दो एंड सारा का सारा डूब जाए और आप बैठे रह जाओ। सो ये आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर इन्वेस्टर। ये जो लीड एंजल नेटवर्क है ये एश्योर तो करता ही है ना स्टार्टअप्स के साथ कि मतलब स्टार्टअप सक्सेसफुल रहेंगे, तो भी इतना रिस्क रहता है कि मतलब आम आदमी जो एंजल इन्वेस्टर बन रहा है उसको करेंगे। देखो बस बड़ी सिंपल बात है हेमंत, ऐसा है हम लोग इवेल्युएट करते हैं और हमारे साथ जितने मेंबर्स हैं जो इंटरेस्टेड है वो भी इवेल्युएट करते हैं। तो मतलब है एक डील में जहाँ एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है कोई 30-40 लोग इवेल्युएट कर रहे हैं एंड मेनी ऑफ देम विल बी फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। जैसे कोई FMCG से आया तो 2-3 तो हमारे एक्सपर्ट होंगे तो वो भी इवेल्युएट करेंगे। तो वी ट्राई एंड इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर लाइकली टू डू वेल, लेकिन रिस्क फिर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हो, आप जानते हो RBI हर साल नए नए रूल्स ले आता है। पहले बहुतों ने इन्वेस्ट किया था, हम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था इन ये कंपनीज में विच वर फ्रंट एंड टू फ्रंट एंडिंग NBFCs फॉर लेंडिंग, कि वो कस्टमर को लाते थे, फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन करते थे। आप नहीं कर सकते, अब सडनली आपने इन्वेस्ट किया विद वन सेट ऑफ RBI रेगुलेशन, नाउ दी आर इज, एंड आई एम नॉट सेइंग दे इज रॉन्ग, व्हाट दे डू इज राइट, बट ये रिस्क होता है। या सडनली कहता है यार ये तो बहुत बढ़िया रह गया, मैं भी जाऊंगा इसमें, तो रिस्क है। तो रिस्क तो बहुत हमेशा होता है। सी व्हेन इट इज अ स्टेबल कंपनी, मैच्योर कंपनी, HDFC बैंक टाइप है, हिंदुस्तान लीवर टाइप है, तब रिस्क नहीं होता, बिकॉज आपको पता है ये कंपनी चाहे ग्रो ना करे स्टेबल है, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है उसका कुछ पता नहीं है, तो रिस्क हमेशा होता है।
इसीलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मतलब क्या ऐसा आप कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा पैसा वहां से कमा भी रहे हैं और स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज कई सारी समस्याएं भी हैं जैसे अभी आपने बताया, तो भी आप कैसे कन्विंस करें ऐसे लोगों को ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए? देखो बस ऐसा है, स्टॉक मार्केट में आप लोग तो जानते हो 12-13-14% रिटर्न अगर आप लार्ज कैप्स में डालो, सिर्फ निफ्टी कंपनी में डालो या सेंसेक्स कंपनी में डालो, ऑन एन एवरेज मिल जाएगा। कुछ सालों में आपका डाउन जाएगा, कुछ में अप जाएगा, ऑन एन एवरेज 12-13-14% आपको मिल जाएगा। बट लोग स्टार्टअप में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि होपफुली अगर आप करेक्ट स्टार्टअप में हो तो आपको 12-13-14 नहीं मिलेगा, आपको मतलब यहाँ से आप यहाँ पहुंच सकते हो। एंड ये सही है, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैं आपको बल्कि उसकी कहानी समझ सकता हूँ, उसका नाम है प्लैनेट स्पार्क। अच्छा। जब हमने उसमें इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यूएशन थी अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, प्री मनी 10 करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ये हमने इन्वेस्ट किया था अर्ली 2020 में, तो मतलब अब आज की डेट में कोई 5 साल हो गए, 5 साल में उसकी वैल्यूएशन चली गई है अबाउट 450 करोड़। ओके, अब ये आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा। सही बात, इसमें नहीं मिलेगा। इसी बैंक में आपको स्टेडी 15-16% मिलता जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि देखो आप स्टॉक मार्केट में डालो, फिक्स चीजों में डालो, चाहे डेट फंड हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, आर्बिट्राज फंड, जो भी हो, बट अल्फा कमाने के लिए, मतलब टू रियली बीट द मार्केट, इसको यूज करो एज अ स्मॉल एसेट क्लास, कोई 5-10%, बिकॉज इफ यू हिट द राइट थिंग आपकी वैल्यूएशन कहीं के कहीं पहुंच जाएगी। आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल की डेट में, आई मीन एक जमाने में लोगों ने ये नाम भी नहीं सुना था, आज की डेट में यार फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग हो, अरे बॉस इसमें तो डल नहीं है पैसा। और जो कंपनीज एआई में है आज की डेट में, सम ऑफ देम आर डूइंग ब्रिलियंटली, और वहां आप मतलब आराम से 30-40-50-60-70% पर ईयर कमा सकते हैं, बट रिस्क है, जो कंपनी डूबेगी वो डूबेगी। सो आई वुड से दिस इज वेयर यू कैन गेट योर सॉलिड अल्फा, बट दिस कैन नॉट बी 90% ऑफ योर होल्ड, इट शुड नॉट, वो मैं बड़ी क्लियर एडवाइस दूंगा। इसमें मैं सर एक ये और जानना चाहूंगा, जैसे आपका लीड एंजल का जो नेटवर्क है, मतलब एक तो फंडिंग एक बेसिकली पार्ट हो गया, मतलब आप एक स्टार्टअप को और किसी पहलू में भी या किसी और चीज में भी आप एक हेल्प करते हैं, उसको एक मेंटरशिप होगी या कोई और चीज के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रेस के लिए। सो जो आइडियल नेटवर्क होता है एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, वो मेंटर भी करता है, फंडिंग भी करता है, नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग भी करता है, जो भी स्टार्टअप को चाहिए होपफुली दे विल हेल्प। मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास मैं आपको डेट बताता हूँ, नवंबर 2014 में हमारे पास एक कंपनी आई, हम कॉन्फ्रेंस रूम में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठे हुए थे एंड ये 3 इंजीनियर्स थे, फ्रेश इंजीनियर, इन्होंने कहा सर वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर अ वाटरलेस यूरिनल। अब आज की डेट में आप जाओ किसी भी मॉल में, किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, तो बड़ी कॉमन चीज, ठीक है, बट उस टाइम में आई एम टॉकिंग ऑफ 11 years ago, waterless urinal नहीं होते थे। हमने ये suddenly कहा यार ये तो बहुत brilliant idea है, क्योंकि 3 महीने पहले August 15th को जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया, मतलब हम करोड़ों टॉयलेट बिल्ड करें, कितना बढ़िया आइडिया, बट पानी नहीं है तो मेंटेन कौन करेगा, साफ कौन करेगा, सडनली ये लोग इनके पास सोल्यूशन। तो हमने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बट हमने उनसे बोला, दो चीजें बोली, पहली बात हमने उनसे पूछा कि भाई आप लोग इसको मार्केट कैसे करो, तो दे सेड लुक वी विल अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे ही करना चाहिए। हमने कहा बॉस इस चीज में आपका एंट्री बैरियर नहीं है, मैंने परसिस्टेंट मॉडल की बात करी, इसमें आपका एंट्री बैरियर नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये जो डिजाइन आपका है सिमिलर डिजाइन और इवन डिफरेंट डिजाइन बहुत और लोग बना सकते हैं,
इसीलिए आपका मार्केट में घुसना बहुत जल्दी बहुत जरूरी है. यू मस्ट एस्टैब्लिश योर प्रेजेंस, एस्टैब्लिश योर ब्रांड, एस्टैब्लिश योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ताकि आपकी प्रेजेंस हो बाय द टाइम समबडी एल्स कम्स. हाँ सर अभी अपॉइंट करते हैं, ठीक है हमको एक महीना दे दो. हमने कहा एज इन्वेस्टर्स हम आपको एक महीना स्टडी करेंगे आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट, देन बट वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट. तो एक महीने बाद हम इनको मिले तो ये लोग बड़े खुश थे, ग्रीनिंग अवे. क्या हो गया? अरे सर वी आर नाउ वर्किंग ऑन अ फीमेल वर्जन ऑफ द सेम थिंग. हमने कहा व्हाट हैपेंड टू द मेल वर्जन? सर वो भी है. तो वी आस्क्ड हिम यार आपको तो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना था. हमने कहा इमीडिएटली करो. सर ऐसा है जस्ट गिव अस 6 मंथ्स, 6 महीने में हमारे दोनों वर्जन तैयार होंगे, इकट्ठा वी विल लॉन्च. हमने पता क्या कहा, हम मैं आपको एक्ट करके दिखाऊंगा. हमने ये किया यार, इतना बढ़िया आइडिया, इतना इतनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में, एंड दीज गाइज हैव कन्वर्टेड अ बिजनेस इनटू एन अर्निंग. अच्छा उनके साथ एक प्रोफेसर भी था, वो बड़ा खुश था बिकॉज ही वॉज राइटिंग पेपर आफ्टर पेपर, वेरी हैप्पी. हमने इनको क्लियरली बोला कि बॉस हम पैसा नहीं करेंगे, बट इफ यू कैन गेट अ को फाउंडर हु अंडरस्टैंड्स बिजनेस, ओके, हु कैन गो इनटू द फील्ड एंड सेल, बिकॉज आप लोग टेक लोग, आप अच्छी इंजीनियर हो, आप यार धंधा नहीं चला सकते, आप प्रोडक्ट बना सकते हो. हाँ अगर आपके पास एक को फाउंडर है, नॉट एम्प्लॉई, एम्प्लॉई भाग जाएगा, को फाउंडर होना चाहिए विद सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी, तब वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट, अदरवाइज नो. सो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, सो हियर वी डिडंट इवन पुट इन मनी बट वी आर विलिंग टू मेंटर देम. सो ये मेंटरशिप जो है आई थिंक इट इज एज इम्पॉर्टेंट इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी. ज्यादातर लोग मेंटरिंग नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि पैसा मिल जाए. नहीं बेसिकली एक ये मतलब इस एग्जांपल से ये भी समझ में आ रहा है कि भाई आपको एक राइट पाथ जो है ना, और वो राइट पाथ और राइट टाइम पे नहीं मिला ना, तो आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को लेट गो कर दोगे. यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो है ना, ये जो मेरी थर्ड बुक है जिसकी अभी बात करूंगा, अर्ली कॉन्स, इसमें 4 कंपनीज की बात करी, नौकरी, जीरो, ड्रीम इलेवन जो है ना, इसका जो फाउंडर है हर्ष जैन, ओके, बड़ा फ्रैंक इंसान है, मैं उसको मिला हूँ 2-3 बार, बहुत ही फ्रैंक, वेरी वेरी फ्रैंक. उसने कहा देखो वी डिड नॉट नो, वी वर यंग, वी डिड नॉट नो हाउ टू रन अ बिजनेस. हमारे जो इनिशियल इन्वेस्टर आए दे गाइडेड अस ऑन हाउ टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल. सो ही इज नाउ अ यूनिकॉर्न, मार्केट लीडर है, बॉस फैंटेसी स्पोर्ट में बिल्कुल मार्केट लीडर है, बट अब भी उसको याद है देखो मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे गाइड किया. सो आई वुड से पैसा इज वन पार्ट, लेकिन गाइडेंस, सी एक बड़ी सिंपल बात है, नो इन्वेस्टर वांट्स टू रन द कंपनी, ही कांट, बिकॉज़ जो इन्वेस्टर्स, मैंने 20 में इन्वेस्ट किया, आई कैन नॉट रन 20 कंपनीज, मैं एक भी चला लूं तो बहुत है, आई कांट. बट द इन्वेस्टर वांट्स द कंपनी टू गो इन द राइट डायरेक्शन. अगर इन एनी केस राइट डायरेक्शन में जा रहा है, देन वी डोंट हैव मच टू कंट्रीब्यूट, बट अगर नहीं जा रहा है, Where we can guide him, ultimate decision is that founder is this, but guidance from there. तो इसमें एक चीज और भी समझ में आ रही है कि मतलब जो चीज फाउंडर नहीं देख पाते वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर देख पाते हैं, और उस चीज का एक्टिवेट एग्जीक्यूशन जो करना होता है वो फाउंडर्स नहीं करना होता है. बिल्कुल बॉस मुकेश, देखो सिंपल बात है, जो इन्वेस्टर है उसने 150 कंपनीज देखी है, प्लस मोस्टली इन्वेस्टर्स आर मच ओल्डर, उन्होंने अपनी कंपनी चलाई है. मैंने 20-40 अब तो कितने साल हो गए मुझे, नियरली 45 ईयर्स, एंड ऑब्वियसली उसमें से थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो हम खुश है. अच्छा सर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, एंजल नेटवर्क जो होता है, ये जैसे आपने क्लब बताया आम आदमी एंजल्स का, तो ये वीसीज कौन होते हैं, और एक स्टार्टअप के लिए वीसीज कितने इम्पोर्टेंट है और किस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है? बहुत आप बढ़िया सवाल पूछ रहे हो, कोशिश करता हूँ आपको बढ़िया जवाब भी दूँ. तो ऐसा है, मैं आपको एक पैरेलल लेता हूँ, जो लोग
मोस्टली लोग समझते नहीं है वीसी और एंजल में डिफरेंस। मैं जरा आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। अब स्टॉक मार्केट में देखो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपने रिलायंस को स्टडी किया या HDFC बैंक को स्टडी किया या L&T को स्टडी किया एंड यू से ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, आई विल पुट इन द मनी, ठीक है। दूसरा है जो इंसान कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं है ना मेरे पास नॉलेज है जिससे मैं इन कंपनीज को एनालाइज करूं, कैश फ्लो, फ्री कैश, आई कांट मैनेज ऑल दैट, राइट। देयरफॉर मैं म्यूचुअल फंड को पैसा दूंगा एंड द फंड मैनेजर ऑफ द म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट द मनी ऑन माय बिहाफ। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द म्यूचुअल फंड मैनेजर इज नॉट इन्वेस्टिंग हिज ओन मनी, ही इज इन्वेस्टिंग समबडी एल्सेस मनी, बट द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट वो अपना पैसा डाल। अब स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में एग्जैक्टली सिमिलर चीज है। जो एंजल इन्वेस्टर है वो टिपिकली अपना पैसा डाल, टिपिकली, इट मे चेंज बट टिपिकली। बट ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं यार, कंपनीज भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है ना हमारे पास नो हाउ है, हम म्यूचुअल फंड को देंगे। म्यूचुअल फंड क्या है? VC। ओके, वो VC को पैसा देंगे और VC फिर ऑन देयर भी हम पैसा डालेंगे। तो इट इज वेरी सिमिलर। अब डिफरेंस ये है कि जो अपना पैसा डाल रहा है ही कैन टेक अ बिग रिस्क। मुझे यार भाई जो रविंद्रन की शक्ल अच्छी लगी, बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, चलो यार डाल दिया मैंने 10 लाख। बट अगर मैं VC हूँ, आई एम मैनेजिंग समबडी एल्सेस मनी, आई कैन नॉट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, सो आई हैव टू बी मच मोर केयरफुल। इसीलिए जो एंजल्स होते हैं नॉर्मली दे पुट इन मनी एट अ वेरी अर्ली स्टेज, राइट, बिकॉज उस टाइम में उनका अपना पैसा रिस्क है। VCs वेट फॉर सम मोर टाइम टू लेट द कंपनी बिकम अ लिटिल मोर मैच्योर। उस स्टेज पे पैसा भी ज्यादा डालते हैं, वैल्यूएशन भी ज्यादा होती है, बट रिस्क कम होता है। आई एम नॉट सेइंग रिस्क नहीं होता है, रिस्क कम होता है। तो आपके जो व्यूअर्स हैं, शुरू में आपको अगर पैसा चाहिए आप VC के पास टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि VC अर्ली स्टेज में अर्ली रेवेन्यू में नॉर्मली नहीं, हाँ कुछ ऐसे हैं जो डालते हैं बट नॉर्मली नहीं डालते हैं, शुरू में नॉर्मली एंजल डालते हैं। VC आपके साथ डिस्कस करेगा, कहेगा कि जी हाँ इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, Come to me after 6 months. You're only wasting time. आप अपने धंधे को संभालो, अगर पैसा चाहिए एंजल के पास जाओ initially. Over time, next stage, maybe next stage, that is the time for this. तो सर मैं आपसे बेसिकली आपकी जो फर्स्ट बुक थी द फंडिंग द स्टार्टअप, उसके बारे में बेसिकली आपने एक बढ़िया कंसेप्ट दिया हमें, मतलब आपकी सेकेंड जो बुक है द ड्रीम फाउंडर, वो किस चीज पे है और क्या उसका एक कोर जो रिजल्ट है, जो इनपुट्स है? बस इसमें ना जो फंडिंग और स्टार्टअप है उसमें मैंने फोकस किया है ऑन फंडिंग, ऑल्दो जो मैंने परसिस्टेंट मॉडल की बात करी है दैट अप्लाइज वेदर और नॉट यू वांट फंडिंग, दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एनी सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। अच्छा उसमें एक और चीज है जो मैं भूल गया बोलना, उसमें कहानियां हैं और रियल स्टार्टअप व्हिच आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन, सम ऑफ देम आर सक्सेसेस, सम ऑफ देम आर फेलियर्स। मैंने अभी बात करी अबाउट दिस वाटरलेस यूरिनल, वो कहानी भी उसमें। फिर मैं जब मेंटर कर रहा था लोगों को, आई रियलाइज कि देर वर मेनी अदर एरियाज व्हिच दे वर नॉट कंफर्टेबल विद, मार्केटिंग, हाउ डू वी गेट पीपल, लो अटेनिंग, हाउ डू वी रिक्रूट द राइट पीपल, हाउ डू वी मैनेज, हाउ डू वी बिल्ड अ टीम, ऑपरेशंस को कैसे हम मैनेज करें, ठीक है ना। क्राइसिस हो गया, कोविड आया था उस टाइम, जब मैंने ड्रीम फाउंडर लिखी उस टाइम कोविड चल रहा था। यार कोविड में बहुत सारे लोग मर गए, सॉरी लोग की कंपनी मर गई, कैसे मैनेज करें इस क्राइसिस में। तब मैंने ड्रीम फाउंडर लिखी विच टॉक्स अबाउट एवरीथिंग अ स्टार्टअप नीड्स टू डू अपार्ट फ्रॉम फंडिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग भी है, टीम बिल्डिंग है, रिक्रूटमेंट है, ऑपरेशन है, एग्जीक्यूशन है, ब्रांड बिल्डिंग, सब कुछ। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने लिखी है, वो भी एक एक्रोनिम है, आई कॉल इट द परफेक्ट एटीट्यूड। हर किताब में ना मुझे एक एक्रोनिम डालना पड़ता है, परफेक्ट एटीट्यूड। सो परफेक्ट एटीट्यूड क्या है, मैं कहता हूँ दिस इज द एटीट्यूड एनी फाउंडर हैज टू हैव। अब परफेक्ट क्या है, 7 लेटर्स है, कितने लेटर है, PERA, 7 लेटर, ठीक है।
each letter stands for something. P is persevering. You can't give up. You have to keep on and on because यार कठिनाइयाँ आएंगी यार, obstacles आएंगे. E is ethical. आपने देख लिया बायजूस के केस में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, यू हैव टू बी एथिकल. R is responsible. Responsible means you have a team. अगर कोई आपसे गलती हो, accept it. अगर कोई अच्छी चीज हो, गिव क्रेडिट टू द टीम. बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना. एफ इज फ्लेक्सिबल. ये जो मेरी लास्ट बुक है जिसके बारे में, लास्ट मतलब ग्रेटेस्ट है, इसमें आपको मैं बताता हूँ, नौकरी की बात करी मैंने, संजीव भिक्चंदानी जो नौकरी के फाउंडर हैं, इसने, या मैं पहले परफेक्ट एटीट्यूड बताता हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट संजीव. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल क्योंकि बस एनवायरमेंट चेंज होती रहती है, यू डोंट नो, यू हैव टू कीप चेंजिंग योर बिजनेस मॉडल. पिवट करना होता है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा. नेक्स्ट ये इज एवरीथिंग, विच मीन्स विलिंगनेस टू डू एवरीथिंग. ये नहीं कि जी मैं तो मैनेजर हूँ, मैं CEO हूँ, मेरा एयर कंडीशनड ऑफिस है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे और मेरे सेल्समैन जो है ना सड़क पे जाके बेच रहे. नहीं बॉस, आपको वहां जाके बेचना है. सही बात. नहीं तो आप उनको कैसे सिखाओगे? और जब वो गलती करेंगे, हाउ विल यू टेल देम तुम गलती कर रहे हो? ठीक है. सो दैट इज सी इज कस्टमर ओरिएंटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड द लास्ट इज बिल्ड्स ट्रस्ट. मतलब जो भी आपका, जो भी स्टेक होल्डर है, मतलब इट कुड बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, कुड बी कस्टमर, कुड बी टीम मेंबर, कुड बी फ्रेंचाइजी पार्टनर, कोई भी हो, एम्प्लॉय, ही हैज टू हैव ट्रस्ट इन यू. सो ये है परफेक्ट एटीट्यूड. एंड मैंने ये देखा जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, एंड आई विल नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ संजीव, दे नॉर्मली द फाउंडर्स विल ऑलवेज हैव द परफेक्ट एटीट्यूड. जो अनसक्सेसफुल है कहीं ना कहीं वो शायद मार खा जाए. तो संजीव भिक्चंदानी जो है उसने 1990 में स्टार्ट किया था, 1990, बट नौकरी शुरू करने में उसको 7 साल लगे. एंड दैट वॉज आई थिंक मार्च और अप्रैल 1997. 7 साल, फुल 7 ईयर्स परसिवियरिंग. मैंने कहा ना परफेक्ट एटीट्यूड, छोड़ा नहीं उसको, करता गया. फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब ही केप चेंजिंग हिज बिजनेस मॉडल. पहले ही वुड डू सैलरी सर्विस, उसके बाद ही सेड ठीक है अब हमारे पास डेटाबेस ऑफ जॉब्स आ गई, हाउ डू वी रीच इट टू पीपल. उसने फ्लॉपी ड्राइव होती थी, सो ही वुड पिक अप अ फ्लॉपी ड्राइव, गिव इट टू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के यार आप ना अपने PC पे डाल दो और लोग आके यूज करेंगे. नहीं चला. देन ही स्टार्टेड कुरियरिंग फ्लॉपी ड्राइव. नहीं चला. 1997 में जब इंटरनेट आई, ही रियलाइज यार अब इंटरनेट पे हम वेबसाइट बना सकते हैं. तो इट टुक हिम 7 ईयर्स एंड अ लॉट ऑफ पिवटिंग बिफोर ही रीच नौकरी. ठीक है, फ्लेक्सिबल आ गया, परसिवियरिंग, एथिकल. और एथिकल आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसकी मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, आप डिलीट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑडियंस के लिए. ये जो है ना, जब नौकरी जो है, जब ये बड़ी सक्सेसफुल हो गई थी, तो मेक माई ट्रिप का जो फाउंडर है दीप कालरा वॉन्टेड संजीव भिक्चंदानी टू ज्वाइन द बोर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ मेक माई ट्रिप. तो जब बोर्ड ज्वाइन करते हैं, आपको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलती है, या तो आपको फीस मिलती है, whatever. उसने ESOPs दी संजीव ने कहा कि बॉस मैं ESOPs नहीं लूंगा, क्योंकि जो मैं बोर्ड में, मेक माई ट्रिप के बोर्ड में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इट टाइम डज नॉट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू माई कंपनी InfoEdge, नौकरी. ठीक है, सो आई विल टेक ESOPs इन द नेम ऑफ InfoEdge. InfoEdge ने ESOPs लिए, फाइनली बेचे, दे मेड मनी. इसको बोलते हैं एथिक्स. तो बस व्हेन यू आर सो एथिकल, जो दूसरा आदमी इज सच ट्रस्टिंग, और जो लास्ट है परफेक्ट एटीट्यूड में बिल्ड्स ट्रस्ट. तो आज की डेट में इफ देयर इज वन पर्सन, आई फ्रेंकली इफ यू आस्क, आई नो हिम वेरी वेल, आई मेट हिम सेवरल टाइम, आई रियली लुक अप टू, बिकॉज उसकी एथिक्स है ना. आपका फील्ड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिनोमिनल, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई हैंकी बैंकी नहीं होगा. वो संजीव भिक्चंदानी. तो ऐसे फाउंडर जो होते हैं, they are the ones who become successful. Great, great. एथिकल होने का एग्जाम्पल आपने बहुत जबरदस्त दिया है और प्रैक्टिकल लाइफ से दिया है.
सर इस बुक में मैंने जुहो स्कूल की कहानी भी पढ़ी थी, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, बस यार ये भी बड़ी यूनिक कहानी है। ये देखो जुहो है यहाँ। जी जी जी। तो जुहो एज यू गाइस नो इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। दे मेक सॉफ्टवेयर एंड दे रन इट ऑन सर्वर एंड इट इज एक्सेस्ड इन SaaS मोड बाय द कस्टमर। तो इसका जो फाउंडर है ना श्रीधर वेम्बू, ओके, बड़ा यूनिक आदमी। पहली बात, वो गांव में रहता है। अच्छा। और उसका ऑफिस गांव में है। अच्छा। और गांव का नाम मैंने कभी सुना नहीं था, मैं कभी गया भी नहीं हूँ। इट इज कॉल्ड मथालमपरे। ओके। इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेनकासी तमिलनाडु। ओके। मैंने तेनकासी भी नहीं सुना था, मथालमपरे भी नहीं सुना था। और जिस जिसने किताब पढ़ी है, विद्या में कई हजारों ने पढ़ी है, किसी ने नहीं सुना आज तक। सो इसका आइडिया क्या था? He says, इसके बहुत बढ़िया आइडिया है, मैं एक आपको बता रहा हूँ। वो कहता है यार, टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर व्हाई डू यू नीड टू बी एन इंजीनियर, व्हाई डू यू नीड अ बीटेक, व्हाई डू यू नीड एन एमसीए। यार अगर आपका बेसिकली लॉजिकल दिमाग है, और बहुतों का है, दे डोंट हैव दीस डिग्रीज, कैन बिकम वंडरफुल प्रोग्रामर्स। तो इसने क्या किया, ही स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जोहो स्कूल्स। 2 साल का प्रोग्राम। अब जोहो स्कूल जो है मद्रास में, चेन्नई में है, एंड मथालमपरे में, तेनकासी में भी एक है, एक ब्रांच है। उसमें ये क्या करता है, ये कहता है यार देखो, गांव में रहता है, as I said. So he actually comes from a farming family. गांव से ही पैदा हुआ, पला बड़ा। तो he says, देखो पूरे हमारी जो रूरल इंडिया है, इतने सारे ब्रेट बच्चे हैं, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, कि ये लोग क्लास 12 के बाद, क्लास 12 तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, फ्री है, उसके बाद वो कॉलेज जा नहीं सकते हैं, देयरफॉर दे ड्रॉप आउट। बस इसे मैं उनको रिक्रूट करूँगा। अच्छा। तो इन लोगों को क्लास 12 पास आउट्स को वो जोहो स्कूल में डालता है। जोहो स्कूल में 2 साल की उनको ट्रेनिंग मिली, डिग्री नहीं मिली, ट्रेनिंग मिली। और ट्रेनिंग में थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। और किससे होती है, दे आर आस्क्ड टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम जोहो। ओके, ठीक है, तो दे लर्न। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू जोहो कंपनी। ठीक है, अब आप इसमें विन विन देखो क्या है यार, ये विन 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 है सबके लिए। विन विन, पहली बात, जो आपका स्टूडेंट है उसको यार क्लास 12 के बाद उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, अंधेरा था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बिकॉज फैमिली के पास पैसा नहीं था। सडनली ही हैज गॉट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल, ठीक है, एंड ही इज डूइंग वेल। तो उसके लिए तो जाननी ही जाननी है, तो पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो सैलरीज हैं, दे डोंट हैव टू बी एज हाई एज टिपिकल बीटेक फ्रॉम IIT और पिट्स पिलानी और व्हाटएवर, दे आर लोअर बट दे आर स्टिल वेरी वेरी गुड सैलरीज फॉर दे काइंड ऑफ बैकग्राउंड। तो जोहो ने पैसे भी बचा लिए एंड ये लोग आ गए। अच्छा, ये लोग छोड़ते नहीं है, दे आर वेरी हाईली मोटिवेटेड, विच मीन्स प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई है। तो छोड़ते नहीं है, रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं है, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं है, प्रोडक्टिविटी हाई है, लोग खुश हैं, प्रोडक्टिविटी हाई है, कॉस्ट लो है, तो वेरी वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। सो इसने ये जो किया ना जोहो स्कूल्स में, ये मतलब बड़ी यूनिक इसने प्रेसिडेंट इसने सेटअप किया है। एंड आई थिंक पोटेंशियली अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज कैन लुक एट दिस। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक इनका ना एक इनका सिक्योरिटी गार्ड था अपने जोहो ऑफिस में। तो किसी ने देखा कि भाई वो जब उसको टाइम मिलता था ना, रिसेप्शन पे एक PC था, अपने आप कुछ टाइप करता रहता। दे रियलाइज कि यार इसमें पोटेंशियल है, उसको जोहो स्कूल में डाल दिया। अब वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो प्रोग्रामर। एंड सम ऑफ दीज प्रोग्रामर्स हैव रियली ग्रोन। एक उनमें से प्रोडक्ट मैनेजर, एक आदमी था जो गांव के स्कूल, उसकी मदर सिक्योरिटी गार्ड थी, शी गॉट हिम एनरोल्ड इनटू जोहो स्कूल्स। आज की डेट में द मदर इज स्टिल अ सिक्योरिटी गार्ड, ही इज अ प्रोग्रामर। तो इसमें ना बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है।
सर ये बुक में देख रहा हूँ और ये अर्नी कॉर्निश एक्चुअली एक वर्ड है, मतलब कॉइन वर्ड है बेसिकली। हाँ, दो वर्ड्स को मिक्स करके जैसे हम सुनते हैं यूनिकॉर्न्स। बिल्कुल। तो अर्नी कॉर्न्स इस बुक का नाम रखने के पीछे आपका क्या थिंकिंग थी? लंबी कहानी बताता हूँ। यार आप प्रोफेसर से पूछोगे ना हर कहानी उसकी लंबी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है देखो, जब इंटरनेट आया ना, इंटरनेट कब आया? रफली लेट 90s, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड यूजिंग इट समवेयर इन द लेट 90s अर्ली 2000। उस स्टेज पे मेरा एक बड़ा फेवरेट फ्रेज है जो मैंने नहीं बनाया बट मैंने पढ़ा है, ज्योग्राफी बिकेम हिस्ट्री। मतलब है उससे पहले आपके जो कस्टमर्स थे दे वर मोस्टली लोकल। किराना शॉप ले लो यार, वो तो उसका कस्टमर कौन होगा, उसी कॉलोनी से होगा। हम यहाँ वेस्ट दिल्ली में बैठे हैं, आपके कस्टमर शायद एक मील दो मील उससे आगे का कस्टमर तो कोई आएगा नहीं। बट जब वो किराना शॉप ई कॉमर्स किराना ई किराना शॉप बन गई तो यार आपका कस्टमर तो केरला में हो सकता है, आपकी दुकान कश्मीर में, डजंट मैटर, या शायद इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो सडनली पीपल रियलाइज कि द अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। एंड उसमें होता ही है कि एज यू ग्रो, आप लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल लोग हो, एज यू ग्रो आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े एमोटाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। सही बात। सेकेंडली आप ग्रो करते हो आपका वर्ड ऑफ माउथ ग्रो करता है, आपका ब्रांड बिल्ड होता है। सो जो ग्रो करता है इतनी फास्ट इंटरनेट वर्ल्ड में, ही ग्रोज फास्टर एंड फास्टर, और जो ग्रो नहीं करता है वो मर जाता है। तो ऐसा आपने देखा है, मतलब जैसे फूड डिलीवरी में आप देखो दो लोग ग्रो कर गए हैं, मार्केट लीडर स्विगी और जोमेटो, एंड और बहुत सारे हैं जो समर फाउंडर नहीं मरे बट स्टार्टअप मरे। सिमिलरली अब ई कॉमर्स में देखो आज के डेट में 3 या 4 हैं, बहुत सारे हैं, एंड ट्रैवल में भी 4-5 हैं, बाकी समर है। तो इन्वेस्टर ने कहा और फाउंडर ने भी कहा कि बॉस हमको ग्रो करना है क्योंकि वी वॉन्ट टू बी ग्रोइंग रैपिडली, we will come to a dominant position, loss making है no problem, जब dominant position हो जाएगी market leader होंगे तब हम देखेंगे profit कैसे, ठीक है ना। ये था, and founder ने भी ये कोशिश की है, investor ने भी कहा ठीक है boss आप grow कर रहे हो ना, आपका loss जो है it is growing by 150% per year but you are growing at revenues growing at 100% no we will fund you। so ये जो है ये भेड़ चाल जो है ना 1998 से it has been just exploding। दो बातें हुई हैं over time, people have realized यार ये नहीं चलेगा यार, so these became unicorns, many of them, evaluation of over $1 billion। but आपके जो राकेश झुंझुनवाला थे जो unfortunately उनकी death हो गई 2-3 साल पहले, वो कहते हैं how can your profit be the next round of funding, यार profit तो business के अंदर से आएगा बाहर से कैसे आएगा। तो ये चेंज हो रहा है फॉर्चुनेटली, बट देयर आर सम कंपनीज शुरू से ही दे से बॉस हमको पैसा बनाना है। और मैं ज़ीरोधा का एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट एग्जांपल। नितिन कामत है उनके फाउंडर, भाई भी है उसका निखिल कामत भी है। तो नितिन कामत कहते हैं वी डिड दे नेवर टुक मनी, नेवर टुक एनी मनी फ्रॉम इट, ही सेज वी डिड नॉट टेक मनी सो वी वर फोर्स टू मेक मनी। यार क्या बढ़िया से मैंने अभी आपको हर्ष जैन का एग्जांपल दिया, ड्रीम 11 का धंधा, जब तक प्रॉफिट ना हो इट इज नॉट अ बिजनेस, राइट। सो देयर वर सम कंपनीज व्हिच सेड हम वी विल नॉट मेक अ लॉस, वी विल बी प्रॉफिटेबल। सम ऑफ देम टुक इन्वेस्टमेंट, सम ऑफ देम डिड नॉट, बट दे वर वेरी क्लियर हम प्रॉफिटेबल होंगे और दे बिकेम यूनिकॉर्न्स, मार्केट लीडर। ये चारों यूनिकॉर्न थे, चारों मार्केट लीडर्स हैं। तो मैंने इनके लिए टर्म ये कॉइन किया है और एक दिन शायद नहाते टाइम मुझे आइडिया आया। मोस्टली आइडिया नहाते टाइम ही आते हैं, आर्किमिडीज को भी आया था टब में लेट के, और तो मेरे घर में टब नहीं शार है। सो मैंने कहा यूनिकॉर्न्स व्हिच अर्न मनी दे आर रियल बिजनेसेस। सही बात। यूनिकॉर्न जो जानवर था यार वो मिथिकल था, रियल नहीं था। सिमिलरली यूनिकॉर्न व्हिच इज लॉस मेकिंग इज नॉट अ रियल कंपनी, नॉट रियल। सो यूनिकॉर्न्स व्हिच अर्न मनी, इसीलिए मैंने ये किया, एंड दीज आर 4 अनिकॉन्ट्रेस्ट।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये फोर तो एग्जांपल है बट मे बी अब आने वाले टाइम में ट्रेंड बदलेगा, बिकॉज पहले शायद मेरे हिसाब से शायद कुछ ना कुछ ऐसा था कि भाई वैल्यूएशन बढ़ानी है और आईपीओ लाना है, और लेकिन मार्केट ने जब दो चार को ढेर किया ना कि मतलब लॉस में तुम नहीं कर पाओगे, लॉस है तो मार्केट में एंटर नहीं होने देंगे, वो एग्जिट करने की सोच रहे थे ना सारे जितने भी इन्वेस्टर है, तो वहां पे गड़बड़ हुई है सारी की सारी। अब लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है और हर गुजराती मारवाड़ी फैमिली जानती है भैया धंधा तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, और ये स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से बताता है। अगर सेमी आईपीओ ले आओ चाहे आप मेन आईपीओ ले आओ, प्रॉफिट है तो बात करो, पैट है तो बात करो, क्योंकि यार प्राइस टू अर्निंग्स में अर्निंग्स तो होनी चाहिए। तो ग्रेट सर, ग्रेट, आपने ये बुक्स लिख के ना मतलब स्टार्टअप्स के ऊपर रियल में काफी अच्छे इनसाइट्स दिए हैं। मतलब चार डिफरेंट एक अर्निंग कॉन्स हैं बेसिकली, मतलब इनमें क्या है, मतलब सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, कुछ कॉमन भी होगा, तो मैं वही डिफरेंस चाहूंगा, एक तो कॉमन क्या चीज है और डिफरेंट क्या चीज है। इसमें मैं बताता हूँ, जो मैंने दो मॉडल आपको बताए ना, तो पहली बार चारों ने क्लियरली डिसाइड किया था कि वी विल बी प्रॉफिटेबल, वी विल मेक मनी, वी विल नॉट बी लॉस। क्लैरिटी ऑफ द थॉट, करेक्ट, इनकी विजन बड़ी क्लियर थी, लॉस मेकिंग धंधा नहीं चलना। हाँ, ड्रीम इलेवन शुरू में लॉस मेकिंग था, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, तो कुछ टाइम लगा उसको मार्केटिंग करने में, उसके बाद से ही बीइंग प्रॉफिटेबल, राइट, ठीक है, तो all of them were very very clear. Secondly, all of them were very clear, we will run a frugal business. मतलब हम unnecessary खर्चे नहीं करेंगे। Example ले लो, वो कहता है यार जब हमने शुरू किया ना, we started from the servants quarter above the garage in my father's house. Okay. वो हमारा ऑफिस था, कोई पॉश ऑफिस नहीं था, और उसमें भी एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर्स एंड सेकेंड हैंड फर्नीचर, एंड इसे जब मैं सेल्स कॉल्स के लिए जाता था, मेरे फादर का पुराना वेस्पा स्कूटर होता, आई डोंट नो वेस्पा था कि नहीं, पुराना स्कूटर था, मैं उस पर जाता था फ्रूगल। ही सेज हम लोग कभी फाइव स्टार होटल वगैरह में नहीं रहे यार, क्योंकि यू हैव टू शो द वे, इफ यू वॉन्ट योर पीपल टू स्टे टू रन यू नो टू लिव टू स्टे फ्रूगली एंड टू स्टे इन टू स्टार टू शेयर रूम्स, You also have to do that. तो frugal business. तीसरा जो मैंने कहा ना आपको persistent business, all of them were persistent, all of them had the perfect attitude. So one of the things in perfect attitude is मैंने कहा customer oriented, very very clearly customer oriented. मैं आपको Zoho का example लेता हूँ. Zoho is a software company, ठीक है, but he is very very ethical. He says the company is, in fact ये उनका ना website पे लिखा हुआ है, the customer's data belongs to the customer. वो data कहीं leak नहीं होना चाहिए, वो customer के पास, हमारे पास भी नहीं, customer के पास, ठीक है। अब ये SaaS software चलाते हैं, SaaS software के लिए आपको hosting चाहिए किसी server पे, data center चाहिए। अब problem ये है, data center third party है। Now, मैं तो कह रहा हूँ यार, Zoho का founder कह रहा है कि भी I the customer's data belongs to the customer, but if that data is hosted on a third party server data center, I don't know what's going to happen. This is not acceptable. Therefore, I will create my own data centers. So, उसने अपने ही data center बनाए और अब वो hardware में भी चला गया. He says whatever Zoho does for the customer has to be in-house. And a software company has moved into data centers and hardware. मतलब ये है customer orientation. So that was three. I think the fourth very important thing is they're very 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 people oriented. Unki teams hai na, aur aapke paas time hai ek aur kahani suna sakte hai, right? So aisa hai, main Dream 11 ki kahani sunata hu, ye jo hai aapki ji, so Dream jo hai na, it is into what we call fantasy sport, aur aapke jo audience hai, I am sure if there are young people watching, you would know what it is, but I will try and explain it. इंडिया न्यूजीलैंड का आजकल चल रहा है मैच चल रहा है, दोनों साइड में 15-15 प्लेयर हैं,
और 22 प्लेयर्स किसी एक मैच को खेल रहे हैं, इन 22 में से आप अपनी टीम बनाओ एंड यू कैन टेक प्लेयर्स फ्रॉम आइदर इंडिया और न्यूजीलैंड. सो आप विराट कोहली को ले लो, केन विलियमसन को ले लो, ऋषभ पंत को एक्सेट्रा, 11 प्लेयर्स की टीम बन गई, वो आपकी टीम है, यूर अ सिलेक्टर. अब अगर विराट कोहली सेंचुरी मारेगा और वो आपकी टीम में है तो आपको पॉइंट मिलेंगे. अगर विराट कोहली डक पे आउट हो गया तो आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे. सो सिमिलरली लॉट्स ऑफ पीपल हैव पेड सम मनी एंड दे आर प्लेइंग दिस गेम, और जो टॉप पे होते हैं दे विल गेट प्राइज. ये आपका फैंटेसी स्पोर्ट्स का ड्रीम इलेवन का कॉन्सेप्ट. अब एक चीज आप नोटिस करोगे, कोविड में 2020 में मैचेस स्टॉप, बाहर ही नहीं जाता था यार, कहाँ से मैच होगा. अब जब मैच नहीं हो रहा तो फैंटेसी स्पोर्ट नहीं हो सकता, अब टीम कहाँ से बनाओगे, कोई मैच ही नहीं. तो उस पीरियड में वो जो एक डेढ़ साल था इनका जो रेवेन्यू धंधा था बिल्कुल चौपट था, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, छोटा मोटा और चल रहा था बट मोस्टली जीरो. अब प्रॉब्लम ये है जो आपकी इंटरनेट कंपनीज हैं, जब धंधा जीरो और ऑलमोस्ट जीरो होता है क्या करती हैं, यार आई विल ले ऑफ 500 पीपल, आई विल ले ऑफ 1000 पीपल, और कल की इकोनॉमिक टाइम में आ जाता है 1000 पीपल लेड ऑफ, 500 पीपल लेड ऑफ. ये आदमी जो है हर्ष जैन, दे डिड नॉट ले ऑफ एनीबॉडी ड्यूरिंग कोविड. इन्होंने कहा, एंड आई हैव रिटन दैट इन दिस बुक, दे सेड ड्यूरिंग गुड टाइम्स यू गाइस हैव लुक्ड आफ्टर द कंपनी, नाउ ड्यूरिंग बैड टाइम्स द कंपनी विल पार्ट. सो नोबडी वाज सैक्ड, कोविड चला गया फॉर्चुनेटली, एंड दे वर प्रॉफिटेबल, सो उनके पास रिजर्व्स थे. इंटरनेट कंपनी में मैन पावर टर्नओवर आप जानते हो 50%, 60%, 100%, 200% हो सकता, क्योंकि 4% है. मैंने कभी सुना नहीं था, मैं इंटरनेट बिजनेस में तो 25 साल से देख रहा हूँ, कभी सुना ही नहीं मैंने, क्योंकि लोग छोड़ने ही नहीं चाहते यार, ये तो दे रियली लुक आफ्टर अस. सो मैंने कहा लुकिंग आफ्टर द टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग छोड़ते नहीं है, मोटिवेटेड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं. छोड़ते नहीं है मतलब आपका कॉस्ट कम है, प्रोडक्टिविटी हाई है, कॉस्ट लो है, इसीलिए आदमी को डिफरेंस भी कुछ. हाँ, डिफरेंस आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है मुकेश, सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है फंडिंग. दो इनमें से जो है ना, ये जीरो था और ज़ोहो, आज की डेट में दे आर अनलिस्टेड कंपनीज. इनफैक्ट ऑल थ्री ऑफ देम आर लिस्टेड, सिर्फ नौकरी इन्फोएड्स लिस्टेड. जीरो था और ज़ोहो ने आज तक इन्वेस्टर से पैसा उठाया नहीं. ओके, ज़ोहो का जो फाउंडर है वो कहता है, लुक इफ आई गेट एन इन्वेस्टर ही विल गेट इन्वॉल्व इन रनिंग द कंपनी and investors will make demands which are maybe good for the investor but not for me. तो कहता है, मैंने किताब में लिखा है, there was one investor who came to me and said, I want an exit in about 7-8 years. I said, how can I guarantee your exit? मेरी कंपनी चलानी है. So he says, उसके बाद से I stopped talking to investors. So investors उसके पास आए, but he doesn't take money from. Zerodha जो है, similar. He says, if you are in the internet world, you have to be quick, nimble. उनकी एक क्विक कहानी बताता हूँ. जब यू नो उन्होंने वो लॉन्च किया जीरो ब्रोकरेज इन्वेस्टर के लिए, ये लोग तीन फाउंडर, सॉरी दो फाउंडर एक कलीग, बेंगलोर एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, बियर पी रहे थे. गलत चीज सुनी बोल दिया, नहीं बियर पी रहे थे, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से बोलता हूँ, बियर पी रहे थे. तो सडनली नितिन ने कहा, यार देखो हमारा जो रेवेन्यू है 99% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ट्रेडर्स बिकॉज वॉल्यूम्स इतने हैं, इन्वेस्टर से तो बहुत कम आता है. तो हम इन्वेस्टर की जो ब्रोकरेज हम चार्ज करते हैं उसको जीरो कर देते हैं, वी विल नॉट लूज रेवेन्यू. और जो इन्वेस्टर है जो हमको पब्लिसिटी मिलेगी धमाकेदार मिलेगी, वी वॉन्ट नीड टू मार्केट. ऑल्सो मेनी ऑफ दीज इन्वेस्टर्स ओवर टाइम में बिकम ट्रेडर्स. ठीक है, सो इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया. इन लोगों ने डिसाइड किया फ्राइडे इवनिंग सैटरडे मॉर्निंग इम्प्लीमेंट करना,
जीरो हो गया, धमाका हो गया, अब तो जानते हो धमाका हो गया। नितिन ने कहा, he told me, he says, देखो, if we had had investors, we would have had to make an Excel sheet. कि देखो जी ये projections हैं, with zero brokerage for investors, then we would have gone to investors, they would have said, नहीं यार इसको थोड़ा tweak करो. We wanted to decide quick and take action immediately. Investor के साथ हम नहीं कर सकते. So he says, and also this guy, Sridhar Vembo Zoho says, one of the best decisions we've taken is we have never gone to investors. Dave Levin, on the other hand, he says one of the best decisions I took was going to investors. क्यों? एक तो पैसा चाहिए था. दूसरा, he says I didn't know how to run a business. मैंने आपको पहले भी बोला. So my investors gave me guidance on how to run a business. So ये जो है ना, I found so different. एक आदमी कहता बेस्ट डिसीजन इन्वेस्टर के पास जाना, दो कहते हैं बेस्ट डिसीजन नहीं जाना. तो हर एक का टाइमिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंड्स ऑन द फाउंडर्स मेंटालिटी, पर डिफरेंसेस होते हैं. तो ज्यादातर ये देखा गया जिसमें बिजनेस सेंस है वो वास्तव में 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10000, 10000 से लाख, लाख से 10 लाख बनाने की सोचता है. वास्तव में उसको जो इन्वेस्टर है ना, ये लगता है कि यार ये तो पैसा लगा के ना मेरे को उंगली करेगा. आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बट मैं इसमें दो बातें बोलूंगा. पहली बात, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. जैसे अगर आप बी टू सी बिजनेस चला रहे हो, इंटरनेट ऑनलाइन, आपको बस मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है, आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी. जितना आपने सेविंग्स आपने बनाए हुए हैं, यार रात को जाके रोटी तो खानी है, पूरा अपना बैंक बैलेंस होनी आप लिक्विडेट कर दोगे, तो कहीं से आपको पैसा चाहिए, यू विल नीड मनी. बी टू बी बिजनेस सो पर है, यू डोंट नीड टू, बिकॉज इट इज नॉट सो मच मार्केटिंग, इट इज मोर सेल्स, फील्ड सेल्स. और बी टू बी में जो फाउंडर है, जो को फाउंडर है, दे आर द वन हु विल एटलीस्ट स्टार्ट द इनिशियल सेल्स. तो ये बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, ये टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है, ये कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है. अगर आप बिल्कुल नए एरिया में हो, आपकी कंपटीशन नहीं है, तो आपके पास टाइम है. अगर आपके पास कंपटीशन है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं वही चीज़, आपके पास चॉइस नहीं, आपको पैसा चाहिए होगा. सो यू आर राइट, इट डज डिपेंड ऑन जिनके पास बिजनेस सेंस है, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ टाइम एक्सेट्रा, सब कुछ. सर, तीन बुक आप लिख चुके हैं स्टार्टअप के ऊपर, और इन बुक्स को लिखते हुए या अपने एक्सपीरियंस से भी आपको लगा ही होगा कि स्टार्टअप आइडिया अच्छे ले आते हैं, प्रोडक्ट अच्छे बना भी लेते हैं, बट कहीं ना कहीं सेल्स नहीं कर पाते, या मैं अदर टर्म्स में कहूँ कि अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. एग्जीक्यूशन और सेल्स लगभग लगे एक ही बात है, क्योंकि आप पैसा कमाओगे तो प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे तो वैल्यूएशन होगी, अदरवाइज तो आप कितनी भी मेहनत कर लो. तो आइडिया बना लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं सब कुछ, लेकिन आप फिर उसको बेच नहीं पाते मार्केट में. तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब किस तरीके से आप गाइड करते हैं जिनमें आप इन्वेस्टिंग करते हैं स्टार्टअप्स में या मेंटरिंग करते हैं वो चीज. ये जो क्वेश्चन आपने पूछा बिल्कुल सही है. मोस्टली जो फाउंडर्स हैं इस स्टेज पे जाके लड़खड़ाते हैं, मोस्टली. बहुत इश्यूज हैं, मैं एक दो की बात करूंगा. पहली बात, मेरे पास फाउंडर्स जो आते हैं बहुत सारे मोस्टली टेक्निकल फाउंडर्स होते हैं. ये जी हमने इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर साइंस किया है, डिग्री दिखाते हैं जी IIT से है, बिट्स पे जाने से. और सर मुझे बेचना नहीं आता, ना मुझे इंटरेस्ट है बेचने में. मेरा सिंपल आंसर उनको होता है, यार बंद करो. और सबसे बड़ा सेल्समैन किसी भी कंपनी में फाउंडर है, सबसे बड़ा सेल्स. यू हैव टू गो एंड सेल. इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल, गो सेल. 15 जगह आपको कस्टमर ना कहेगा, 16वां कस्टमर शायद आ जाएगा आपके पास, शायद 32 जगह ना फिर आ जाएगा आपके पास. आपको सीखना है, देयर इज नो चॉइस, बिकॉज आप सीखोगे तब जाके आप बाकियों को समझाओगे. एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसका, इस बुक में ड्रीम फॉर. एक कंपनी है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था, उसका नाम है
गो देसी। आप लोगों ने शायद सुना होगा देसी पॉप्स, देसी मीठा, देसी। तो ये जो है ना, इसका जो फाउंडर है विनय कुपेर, तो ये जो फाउंडर है ये फार्मर से ना वो क्रॉप्स अपने उगाते हैं, वहीं फार्मर ही अपनी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करता है, ये आदमी विनय कोठारी उसको ब्रांड करता है और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ये करता है। जब शुरू किया ना, इसने कहा बॉस मैं खुद जाके किराना शॉप्स, बैंगलोर बेस्ड है, किराना शॉप्स में जाके बेचूंगा अपने जो किराना शॉप ओनर है उसको, क्योंकि मुझे देखना उसका क्या फीडबैक है, मुझे देखना वो क्या कह रहा है उसके कस्टमर के फीडबैक के बारे में, मैं नहीं कहूँगा कौन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है पहली बात। दूसरी बात जो मैंने उसमें बोला ना, एंट्री बैरियर, परसिस्टेंट मॉडल, परसिस्टेंट मॉडल तो खैर सभी को फॉलो करना चाहिए। जो एंट्री बैरियर की मैंने बात करी, लोग ये सोचते हैं यार मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरा एंट्री बैरियर ही बस बात बन गई। नहीं होता ऐसा, आप जानते हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आपका कंपटीटर है, और 140 करोड़ में से आपको बहुत कंपटीटर है, वो भी बना रहा है, अगर आपने कोई अपग्रेडेशन नहीं किया तो 6 महीने में वो कैचअप कर लिया, उसके बाद आपका वो एंट्री बैरियर नहीं रहा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बिजनेस या स्टार्टअप वर्ल्ड में वही उतरे जिसको बेचना आता हो या बेचना सीखने की इच्छा हो, पहली बात करेक्ट, और दूसरा आपका जो ऑफरिंग है, सर्विस, प्रोडक्ट जो भी है, उसको यू हैव टू कीप एनहांसिंग सो दैट यू मेंटेन दैट एंट्री बैरियर ओवर कॉम्पिटिशन, अदरवाइज दूसरा आदमी आपको क्रॉस कर जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें जो मैंने देखी है फाउंडर्स नॉर्मली बॉदर नहीं करते। मैं बेसिकली अब थोड़ा सा उसके लीड इन्वेस्टर वाले जो आपके बैकग्राउंड है उस पर जाना चाहूँगा। मतलब जैसे अभी एग्जिट स्ट्रेटजी की एक बात आ रही थी, तो मतलब जब आप लोग बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब एक एग्जिट स्ट्रेटजी ऑलरेडी प्लान में होती है या मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद, मतलब क्या उसका प्रोसेस रहता है इन्वेस्टमेंट से पहले या आफ्टर, बाद में कुछ चेंजेज होते हैं क्या चीज़? सो मैं पहले एग्जिट की बात करता हूँ। ये चीज़ जितने भी हमारे VCs हैं, एंजल नेटवर्क्स हैं, मैंने आपको कहा ना रफली अर्ली 2000 से ये सब शुरू हुआ इंडिया में, सबका ना एक लर्निंग का कर्व रहा है। शुरू में सब गलतियां करते, नॉट ओनली अस, नॉट ओनली सब करते थे गलतियां, लर्निंग प्रोसेस होती है। तो शुरू में लोग एग्जिट नहीं देखते, अब जाके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी लुक एट, एवरीबॉडी लुक्स एट इज बॉस इसमें लाइकली है एग्जिट, अगर नहीं है लाइकली, सो ये जो धंधा है 4 साल बाद 5 साल बाद विल इट स्टिल बी देयर, विल देयर बी टू मच कॉम्पिटिशन, विल इन्वेस्टर्स बी इंटरेस्टेड इन दैट स्टेज एट अ हायर वैल्यूएशन, अगर वो ना हो देन वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, नाउ यू कैन नॉट गारंटी दैट, बट एट लीस्ट यू ट्राई एंड लुक। फॉर एग्जाम्पल AI का जो फील्ड है, इट इज क्लियर कि बॉस ये सालों साल चलेगा एंड इट विल बिकम लाइक योर टेलीफोन, भाई हर चीज में आपका फोन इन्वॉल्व है, और इट विल बिकम लाइक द इंटरनेट, हर चीज में इन्वॉल्व, ठीक है। तो इट इज लाइकली दैट दिस विल हैपन, बट देर आर सम थिंग्स विच मे नॉट, इसे हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। दूसरा आपने प्रोसेस की बात कर पूछी, प्रोसेस ऐसा होता है हमारा, जैसे लीड एंजल्स में, लीड एंजल्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट जितने भी एंजल नेटवर्क हैं मेनी ऑफ द गुड वन विल फॉलो सिमिलर प्रोसेसेस। तो हमारा जो लीड एंजल्स है, हमको स्टार्टअप ने अप्लाई कर दिया कि भाई दिस इज आवर पिच डेक, दिस इज व्हाट वी वांट टू रेज, वेरी ऑफन दे गिव द वैल्यूएशन, समटाइम्स दे डोंट गिव। तो हमारी अपनी टीम है, अपने एम्प्लॉयज हैं, वी विल इवैल्यूएट इट फर्स्ट। फिर हमारी होती है व्हाट इज कॉल्ड एन IC इन्वेस्टमेंट कमेटी, जिसमें मैं भी हूँ, 3-4 लोग हैं उसमें, एंड ऑल ऑफ अस आर अबाउट द एज ऑफ 60। सो मतलब है कंबाइंड हमारे एक्सपीरियंस शायद कितना होगा, 150 साल का होगा, 130 साल का होगा। तो हम लोग देखते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जिट मिलेगा कि नहीं, एंट्री बैरियर है कि नहीं, इज देयर टू मच कॉम्पिटिशन,
अगर वैल्यूएशन ज्यादा हाई है वी डोंट से नो, वी से ओके, इफ एवरीथिंग एल्स इज ओके वी विल डिस्कस द वैल्यूएशन, इफ ही फील्स द वैल्यूएशन इज टू हाई। तो ये सब हम देखते हैं एंड देन द आईसी से ओके वी विल शॉर्टलिस्ट और नॉट शॉर्टलिस्ट। तो जो शॉर्टलिस्ट हो गया ही इज आस्क्ड टू मेक अ पिच और वो टिपिकली वंस अ मंथ पिच होती है, आजकल तो ऑनलाइन ही होते सारे पिच। तो हमारे इन्वेस्टर आते हैं 100, 150 जितने भी इंटरेस्टेड एंड ही स्टार्ट टू मेक अ पिच, देन वी सी हाउ मेनी इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड। अगर तो कोई नहीं इंटरेस्टेड है या सिर्फ एक दो हैं तो वी डोंट, अगर 15, 20, 25 इंटरेस्टेड है देन वी टेक इट फॉरवर्ड। सो वंस वी टेक इट फॉरवर्ड देन जितने इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं उसमें से वी से देखो हम नहीं डिसाइड करेंगे, वी विल सपोर्ट द इन्वेस्टर्स, पैसा आपका है, इसीलिए आप में से एक जो है यू बिकम अ डील लीड, यू ड्राइव दिस एंटायर थिंग, वी विल सपोर्ट यू, काम मेहनत हम करेंगे बट यू ड्राइव। एक इन्वेस्टर डील लीड बन जाते हैं, वेरी ऑफन देयर आर टू डील लीड्स। तो इस स्टेज पे बिजनेस एनालिसिस होती है, बहुत डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस, वी विल टॉक टू कस्टमर, वी कॉल देम अप, वी विल लुक एट देयर बिजनेस मॉडल, उसके प्रोजेक्शन देखते हैं, वेरी ऑफन द प्रोजेक्शन आर मीनिंगलेस, एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। तो ये सब हो गया, उसके बाद देन दी डील लीड सेज यस और नो, एंड इफ ही सेज यस रिकमेंडेड ही हैज टू पुट इन मनी, बिकॉज इफ ही सेज यार बहुत बढ़िया कंपनी है पर मैं नहीं डालता, मीनिंगलेस, ठीक है, तो यार ये है और मैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितना भी मैं डालूंगा। देन अगेन वी हैव डिस्कशन विद द फाउंडर एंड देन वी हैव डिस्कशन अमंगस्ट ऑल द मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड। सो फिर हम कमिटमेंट लेते हैं कि किसको इसमें इंटरेस्ट है किसको नहीं है, कितना आप डालोगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये है एंड ये जो है वैल्यूएशन है, एंड उस स्टेज पे फिर टर्म शीट साइन हो जाती है। बट अभी तक डीडी नहीं हुआ, ड्यू डिलीजेंस अभी तक हुई नहीं है, उसके बाद ड्यू डिलीजेंस होती है एंड देन देयर बी फाइनेंशियल लीगल स्टैट्यूटरी सारे होते हैं एंड वो हम नहीं करते हैं, वो नॉर्मली हमारे पार्टनर जैसे आप लोग हो, we'll have partners and उस ड्यू डिलीजेंस के बाद एंड ड्यूरिंग दैट टाइम SHA बन जाता है एंड उसके एंड में इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन दी SHA साइन एंड उस स्टेज पे पैसा आता है। तो मतलब कमिटमेंट हमने ले ली, यू कैंट बैक आउट ऑफ द कमिटमेंट, इफ यू बैक आउट यूर ब्लैक लिस्ट कल से यूर आउट ऑफ डी नेटवर्क, बिकॉज फिर तो कोई सैंक्टिटी है ही नहीं। तो नॉर्मली from the time somebody approaches us to the time he gets money it takes approximately 3 months, but kabhi kabhi jaldi bhi ho jata hai in case somebody else has done the due diligence and we trust that. For example, aaj ki date mein the most respected angel network is probably Indian Angel Network, jo hamara Delhi based hai, Saurabh Srivastava, Pradeep Gupta, ye sabse purana bhi hai. To agar unhone business analysis kari hai, unki term sheet hai, unka SHA hai, उन्होंने डीडी किया है एंड दे हैव अप्रूव्ड इट, वी आर ओके, देन वी से वी डोंट नीड टू डू डीडी बिकॉज वी हैव फेथ इन डीडी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी कुछ नेटवर्क्स हैं जो ठीक से डीडी करते हो, उनका डीडी किया हुआ तो आपके पास मतलब वो उसमें तो फिर वही लोग इन्वेस्ट करेंगे ना, आपका ग्रुप इन्वेस्ट करेगा? नहीं, तो वो तो ऐसे है, हमारी जो हमारा जो हमारी जो इंडस्ट्री है ना ये बहुत हाईली कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जाम्पल लोग रेज करना चाहते हैं 8 करोड़, इंडियन एंजल नेटवर्क हैज ओनली बीन एबल टू रेज 3 करोड़ फ्रॉम देयर मेंबर्स, वो हमारे पास आते हैं बिकॉज हम कहते हैं ठीक है हमारे इन्वेस्टर 1 करोड़ डाल देंगे, चेन्नई एंजल्स 2 करोड़ डाल देंगे, ऐसे चलते हैं। तो हम लोग भी वर्क करें, तो इसमें स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट होती है जी, वो उसमें शेयर होल्डर वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर ही होते हैं वो, या फिर एंजल नेटवर्क ही होता है? तो आपकी ऑडियंस को मैं एक चीज समझाता हूँ, जो आप लोग तो खैर एक्सपर्ट हो, मैं नहीं हूँ एक्सपर्ट। कैप टेबल, कैप टेबल क्या होता है यार, किसी भी कंपनी में ना इट इज अ लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड हाउ मेनी शेयर दे होल्ड इन द कंपनी, ठीक है। तो आप इंडस्ट्रीज का अगर कैप टेबल देखो इट विल प्रोबेबली क्रोर्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, बट स्टार्टअप में कम होता है बिकॉज इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी। सो शुरू में आई वुड से अबाउट 10-12 इयर्स अगो होता ये था कि
कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे उसका नाम कैप टेबल पे जाता है, क्योंकि ध्रुव नाथ हैज व्हाटएवर 150 शेयर्स, हेमंत हैज एक्स शेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम इसमें ये हो गई, और ये आप मेरे से बहुत ज्यादा समझते हो, प्रॉब्लम इसमें ये हो गई कि एट अ वेरी अर्ली स्टेज आपके कैप टेबल में 50 80 90 एंट्रीज हो गई ऑफ पीपल हु पुटिंग मे बी 2 लाख सीट्स और 2.5 लाख सीट्स। मैंने एक सिचुएशन फेस करी है वेयर देयर वर सम 80 एंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट इंजन नेटवर्क्स एंड देयर वाज अ पोटेंशियल मर्जर, और जो अक्वायरर था who wanted to acquire this company, he said, I don't want all these people in the cap table. I don't want to deal with, you know, people who put in 2 lakhs, 3 lakhs, okay. But wo mane nahi, wo ad gaye. So, almost all of us agreed, because we realized, yaar, ye company kahin jaane nahi hai. But wo do log mane nahi. Ye problem hoti hai with having too many chota investors in the cap table. Next round of funding, ya merger ho, acquisition, usme problem ho jati. So now, increasingly the industry is moving towards funds. Okay. For example, हमारा lead angels fund है. Okay. वो क्या AIF category 1 fund. AIF category 1 है. तो उसमें क्या होता है कि आपने जो investor है, the decision to invest is with the investor. कि भी इस company में डालना कि नहीं डालना मेरा है. But cap table पे एक ही नाम आएगा, which is lead angels fund. Lead Angels Fund will give you units. Okay. Because आपके पास 50 यूनिट हैं या 10 यूनिट. Okay. At the time of exit or whenever it is being sold to somebody or whatever, then the entire group of investors will decide. So one, so then it is not dependent on one individual investor. पूरा group decide करेगा कि भी हमें exit करना है कि नहीं करना है, इसको बेचना है at this valuation के लिए. तो आज की date में increasingly it is these angel funds which are taking over. इंडिविजुअल कैप टेबल में इन्वेस्टमेंट या तो बड़ा ही एचएनआई हो कोई, जैसे ने कर दिया या प्रेम जी इन्वेस्टमेंट्स ने 2 करोड़ डाल दी, वो अलग है। पर जो आम आदमी एंजल है वो आज की डेट में फंड के थ्रू, बट ही स्टिल एन एंजल इन्वेस्टर बिकॉज डिसीजन उसका है। इट इज नॉट लाइक अ वीसी वेयर ही पुट्स इन हिज मनी एंड द वीसी डिसाइड्स मैं इसमें डाल रहा हूं, नहीं, एंजल इन्वेस्टर डिसाइड। तो इस एंजल नेटवर्क के थ्रू ये भी हो जाता है ना कि कल को उस एंजल को एग्जिट करना है तो वो अपने ही मेंबर में से किसी और को दे सकता है वो यूनिट, ऐसा कुछ पॉसिबल? उसमें ये बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, उसमें फिर जिसमें अगेन आप लोग एक्सपर्ट हो, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल आ जाता है। सो आई एम डेफिनेटली नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, बट वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें generally it has to be a decision which is taken for the entire group of investors. Okay. सारी नॉलेज दी, इनपुट्स दिए स्टार्टअप्स के बारे में, फंडिंग के बारे में, परफेक्ट फाउंडर के बारे में, उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ अर्निकॉन्स का एक जो आइडिया है जो बिल्कुल नया है और शायद आगे के टाइम में एक इवॉल्व भी करेगा और स्टार्टअप जर्नी को भी एक नई दिशा में लेके जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और फिर हम नए एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।